मूवी की शुरुआत में हम एक बैंड ग्रुप को देखते हैं जो बीच के किनारे म्यूजिक बजाकर आपस में एंजॉय कर रहे थे और गाना गा रहे थे। तभी हम दो मर्मेड यानी जलपरियों को देखते हैं जो इन्हें देख गाने लगती है। इनका गाना सुनकर दो लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मर्मेड की कई सारी खासियतों में से ये भी एक खासियत होती है कि वो अपने गाने से किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। अब वे दोनों बैंड ग्रुप के दो लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक औरत यहाँ आती है और उन्हें देखकर चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद ये बैंड ग्रुप इन मर्मेड को अपने क्लब में लेकर आते हैं जहाँ ये लोग काम करते थे। यहाँ ये दोनों मर्मेड इंसानी रूप ले लेती है क्योंकि पानी के बाहर इनके इंसानों की तरह पैर निकल आते हैं। तभी क्लब का मालिक उन पर पानी डालता है और पानी की वजह से उनकी पूंछ निकल आती है और वो दोनों अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर क्लब का मालिक शॉक हो जाता है। ये एक नाइट क्लब होता है, इसीलिए नाइट क्लब का मालिक इन्हें बैकअप सिंगर और स्ट्रिपर के तौर पर यहाँ रख लेता है। और अब ये दोनों मर्मेड गोल्डन और सिल्वर इस बैंड ग्रुप के साथ ही रहने लगती है और धीरे धीरे इसी तरह अपने गाने से बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करती है। मर्मेड्स को देखकर इनके नाइट क्लब में लोगों की भीड़ आने लगती है क्योंकि जो भी इनके गाने को सुनता था वो यहाँ आए बगैर नहीं रह पाता था। नाइट क्लब में आने वाले हर एक कस्टमर को ये पता था कि ये दोनों मर्मेड है क्योंकि उनके सामने ही ये दोनों अपने आप को मर्मेड में ट्रांसफॉर्म करके दिखाती थी, जिसे देखकर हर कोई शॉक हो जाता था। और इसी दौरान सिल्वर को इसी बैंड ग्रुप के एक मेंबर मीटेक से प्यार हो जाता है। लेकिन मीटेक इस मर्मेड से प्यार नहीं करता था, वो तो सिर्फ उसके साथ अपने मतलब के लिए था। और एक वजह ये भी थी कि सिल्वर के पास इंसान की बॉडी तो थी पर उसके पास इंसानों की तरह जेनिटल ऑर्गन्स नहीं थे। इसीलिए दोनों एक दूसरे को ऊपर ऊपर से प्यार तो करते थे लेकिन इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे थे। गोल्डन को सिल्वर का उस लड़के से अफेयर रखना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अकेले हो और गोल्डन को लगता है कि सिल्वर मीटिंग से सिर्फ प्यार का नाटक कर रही है क्योंकि वो उसे खाना चाहती है। इसीलिए वो अपनी बहन सिल्वर से पूछती है कि क्या तुम उसे खाने वाली हो। इस पर सिल्वर कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। इस बात से हम ये समझ पाते हैं कि ये दोनों इंसानों को मारकर खा जाती है। और ये बात तब कंफर्म हो जाती है जब गोल्डन एक आदमी के साथ चली जाती है। वो आदमी फुल मूड में था इसीलिए वो गोल्डन को बीच के किनारे ले जाता है, लेकिन वहाँ पर गोल्डन उसे कच्चा चबा जाती है और उसे मार डालती है। इधर सिल्वर मीटेक को ढूंढ रही होती है, तभी उसे मीटेक की आवाज़ आती है। और जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि मीटेक किसी और लड़की के साथ है और वो दोनों इंटरकोर्स कर रहे हैं। ये सब देखकर सिल्वर को बुरा तो लगता है पर फिर भी वो बाहर मीटेक का इंतज़ार करती है। और जब मीटेक बाहर आता है तो वो उस लड़की के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछती, बल्कि वो मीटेक को बाथरूम में लेकर जाती है जहाँ वो अपने कपड़े उतार देती है और मर्मेड में बदल जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। पर मीटेक उससे कहता है मेरे नज़रिए से तुम एक मछली हो, यानी कि एक जानवर हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकता जो तुम चाहती हो। लेकिन सिल्वर गाना गाने लगती है जिससे मीटेक उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और ये दोनों ऊपर ऊपर से ही प्यार करने लगते हैं। एक दिन इस नाइट क्लब में एक ट्राइटॉन नाम का बंदा आता है, वो भी कभी एक सी क्रिएचर हुआ करता था। वो बताता है कि वो एक मेटल बैंड का सिंगर है और गोल्डन से कहता है कि तुम्हारी बहन मीटेक से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही है। अगर वो उसे सच्चा प्यार करने लगी और मीटेक किसी और से प्यार करने लगा तो वो सी फॉर्म यानी कि झाग में बदल जाएगी। ट्राइटॉन उसे ये भी कहता है कि अगर उसने मर्मेड वाली पूंछ खो दी तो वो अपनी आवाज़ भी खो देगी। और ये सब गोल्डन सिल्वर को बताती है पर सिल्वर उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद जिस इंसान को गोल्डन ने मारा था और उसे खाया था, पुलिस को उसके बारे में पता चल गया था। उन्हें शक था कि कहीं उस आदमी को गोल्डन ने मारा होगा, इसीलिए एक ऑफिसर उस पर नज़र रखने लगती है और गोल्डन से मर्डर और उस आदमी के बारे में पूछने लगती है। लेकिन गोल्डन अपनी आवाज़ से पुलिस ऑफिसर को अट्रैक्ट कर देती है और अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेती है। अगले दिन न्यूज़ में पता चलता है कि बीच के किनारे एक मर्डर हुआ है। वही ऑफिसर जो गोल्डन को पकड़ने आई थी वो बयान देती है कि उस आदमी को जंगली जानवर और कुत्तों ने खाया था।
वो गोल्डन का नाम नहीं लेती और इस तरह वो गोल्डन को बचा लेती है। वो कहती है कि कोई ना कोई गवाह ज़रूर मिल जाएगा जिससे हम पूछताछ करेंगे और इस मर्डर के बारे में पता लगाएंगे। फिर सिल्वर समझ जाती है कि उसे गोल्डन ने ही मारा होगा। इसके बाद ये दोनों बहस करने लगती है और इसकी बहस को देखकर क्लब का मालिक इन दोनों को पंच मारकर बेहोश कर देता है। अब इन लोगों को ये लगने लगता है कि ये दोनों मर गई है, इसीलिए इन दोनों को कारपेट में लपेट के नदी में फेंक आते हैं। पर असल में ये दोनों मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। ये दोनों नदी से बाहर आती हैं और बाहर आते ही कुछ लोगों को मारकर खा जाती हैं और फिर से नाइट क्लब में वापस उस बैंड के पास आती है और सब इनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ़ कर दो। इसके बाद नाइट क्लब का मालिक माफ़ी के तौर पर गोल्डन का हाथ चूमता है, लेकिन गोल्डन उसे कहती है हम पागल नहीं हैं और तुरंत गोल्डन उसके अंगूठे को खा जाती है। अब एक बार फिर से ये दोनों बैंड ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। सिल्वर जो मीटेक से प्यार करती थी, लेकिन मीटेक उससे प्यार नहीं करता था क्योंकि उसे जेनिटल ऑर्गन नहीं थे। इसीलिए सिल्वर फैसला करती है कि वो अपनी पूंछ को हटवा देगी जिसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगी और ये दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वर अपने नीचे का हिस्सा सर्जरी द्वारा इंसान की बॉडी से स्वैप करवा लेती है, लेकिन इस वजह से उसकी आवाज़ चली जाती है और अब वो गा नहीं सकती थी। अब ऑपरेशन के बाद काफ़ी समय गुजर जाता है और सिल्वर धीरे धीरे रिकवर होने लगती है और व्हीलचेयर से चलने लगती है। धीरे धीरे वो पैरों का भी यूज़ करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीटेक सिल्वर के लिए फूल लाता है जहाँ पर ये दोनों इंटरकोर्स करते हैं, लेकिन इस दौरान मीटेक के ऊपर सिल्वर के घाव का खून लग जाता है जो मीटेक को बहुत ही घिनौना लगता है। इसीलिए वो सिल्वर को छोड़ देता है, यानी कि वो उसे ब्रेकअप कर लेता है। सिल्वर को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो मीटेक से सच्चा प्यार करती थी। उससे मीटेक के लिए ही अपनी पूंछ और अपनी आवाज़ गवाई थी। कुछ समय बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मीटेक एक लड़की से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ ही दिनों बाद इनकी शादी हो जाती है। सिल्वर भी यहाँ बैठकर अपने एक्स की शादी किसी और के साथ होते हुए देख रही थी और ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। गोल्डन और ट्राइटन को पता था कि अब सिल्वर सी फॉर्म में बदल जाएगी क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी यानी कि मीटेक ने किसी और से शादी कर ली है। इसीलिए ट्राइटन और गोल्डन उसे समझाते हैं कि तुम्हें सूरज निकलने से पहले मीटेक को मारना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सी फॉर्म में बदल जाओगी। इसीलिए गोल्डन भी सिल्वर से मीटेक को खाने के लिए कहती है और अगली सुबह सिल्वर मीटेक के पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। यह सिल्वर मीटेक को मारने की बहुत कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते जैसे ही सूरज निकलता है तो वो मीटेक की बाहों में ही सी फॉर्म में बदल जाती है। मीटेक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। ये देखकर गोल्डन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन सिल्वर की मौत हो गई और वो सी फॉर्म में बदल गई। इसीलिए वो गुस्से में आकर मीटेक को मार डालती है और वापस ओशन में लौट जाती है और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आगे ही ऐसे मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।